प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? हम ठीक है ना, अपन बतावा। इतना दिन से कहाँ थी आप, दिखाई नहीं। अरे हम घूमे गए ना, हमें बुलावा आवा रहा, रुको रुको बताई थे। अच्छा। एक तो कार्यक्रम रहा वहाँ, कार्यक्रम में यहाँ तमाम लोग आए रहे, महिलाएं, पुरुष, बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग आ रहे। हमू तैयार व्यार हो के गए ना, हम इंतजार करते हैं कि इतने लोग रहिए कि और कोई, मतलब कोई और आएगा या नहीं आएगा। तो आए, वो आए कौन, हमारे आमदार क्षितिज ठाकुर, वही जो विलायत से पढ़ के आए हैं। दरअसल उनके पास समय की बहुत कमी रहती है, इसीलिए वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए आए। और आए तो उन्हें कहा गया कि अपने शब्द, दो शब्द बोलिए, क्योंकि उनके पास समय की कमी है। वो भाषणहीन, भाषण के दौरान सीधा तंज कस दीन मीडिया पर। कहीं मीडिया तो आजकल सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को झगड़ा लड़ाने में लगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता वाली ही न्यूज़ दिखाती है। और तो और वही, इतना तो कहीं निकले बात, तारीफ करीन, कहाँ के तारीफ करीन गाय जन्मो, अपने देश के नहीं ना, अपने वसई विरार के तारीफ करीन तो सिर्फ और सिर्फ विदेश के। कहीं वहाँ एडवांस डेवलपमेंट होते टेक्नोलॉजी के, तकनीकी में डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही भरी है। आने वाला जो हमारा युवा है उस पर कितना असर पड़ेगा, ऐसे चिंता जाहिर की। अब ये बतावा आमदार साहब, कुछ करबो यहाँ, तब तो होई, तब तो पॉजिटिव दिखाए एक पत्रकार। आपका क्या है, आप जब देखो, जब विलायत चले जाते हैं घूमने के लिए, विलायत के ट्रिप पे चले जाते हैं, अभी बतावा आमदार साहब, आप कहा थो, मतलब आप कह रहे हो कि पॉजिटिव न्यूज़ दिखावा, कैसे दिखाएं पॉजिटिव न्यूज़, कुछ हो तब ना दिखाएं। कोरोना काल पिछले 1.5 साल के ऊपर से लोग परेशान हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की मदद मिली? जब वैक्सीन सेंटर पर लोगों की झुंड लगी हुई थी, मारा मारी में कई लोग फंसे हुए थे, वैक्सीन के लिए रात भर इंतजार करते रहे, कितनी बार आप जाकर देखे वहाँ पर, जरा हमें बताइए। चलो बात कर ली थे सड़क के, सड़क वही रास्ता जैसे आवत जात हो आमदार साहब, ये बताओ बरसात के समय में इतना नज़र नहीं आता है कि वो सड़क है कि गड्ढा है, क्या उसके बारे में आपने सोचा? तो कहाँ से पॉजिटिविटी दिखाए एक पत्रकार? वसई विरार में तरक्की हो या ना हो, लोगों को मदद मिले या ना मिले, लेकिन हमारे आमदार वही जो विदेश से पढ़ के आए हैं, वो विदेश की तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूलते। समय समय पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शुभकामनाएं देते रहते हैं, त्यौहार हो या फिर कुछ भी हो, लोगों को खुश करते रहते हैं शुभकामनाएं देकर। लेकिन हमारी जनता जो है अभी भी इंतज़ार कर रही है कि कब उन्हें मदद मिलेगी। फिर भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, अब पक्ष प्रवेश भी हो रहा है बहुजन विकास आघाड़ी में, इसके अलावा बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम रखा गया, नौकरी दिलाने वाली ये सब कार्यक्रम हो रहे। क्या है ना, चुनाव नज़दीक है, भागदौड़ भी ज़रूरी है। चलिए हमारे दर्शक, आज के लिए बस इतना ही। आप भी कमेंट करके ज़रूर बतावा कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया।